नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। एक गाड़ी जो दिखाई दे रही है, हम गुजर रहे थे तो हमारे पास से ही एक गाड़ी है वो गुजरी और उस पर लिखा हुआ था, दिखा देते हैं आपको साफ साफ तस्वीरों में, हम खानदानी चोर हैं लोहारू वाले। और इस फोटो में कुछ शख्स हैं, उनकी फोटोज भी लगी हुई हैं। अब भाई साहब को हमने रुकवाया, जानने की कोशिश की कि खानदानी चोर कौन है, क्या मामला है, तो चलिए जान लेते हैं, सुन लेते हैं। नहीं देखिए, एक बार इंटरेस्टिंग थिंग है, बिल्कुल आपको दिखा देते हैं। तीनों तरफ ही गाड़ी के, यानी कि ये लगा कि हम खानदानी चोर हैं लोहारू वाले, कोई भी देखेगा तो एक बार तो आश्चर्यचकित रह जाएगी भाई, आखिर ये मामला क्या है, कौन है खानदानी चोर, खानदानी चोरों का इस भाई साहब से क्या लिंक है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यानी कि भाई साहब की गाड़ी है, काफी महंगी गाड़ी है, तीनों तरफ यही लगा हुआ है कि हम हैं खानदानी चोर लोहारू वाले। चलिए बात करेंगे, जानेंगे कौन है खानदानी चोर, आखिर क्यों लगवाए हुए हैं फोटो, क्या कुछ है इन फोटोज का राज और क्या कुछ है इसके पीछे पूरी कहानी। चलिए आपको बताते हैं, जानेंगे क्या कहना है, किस तरह से पीड़ित है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग बिल्कुल लगी कि गाड़ी के तीनों ओर लगे हुए हैं हम है खानदानी चोर लोहारू वाले। चलिए भाई साहब से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहना। तो भाई, हम खानदानी चोर हैं लोहारू वाले, तस्वीरें भी आपके सामने हैं और वो शख्स भी आपके सामने है गाड़ी के साथ, जिसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं क्या मामला है, कौन है खानदानी चोर और क्या है खानदानी चोर की लगी हुई इन फोटोज का राज। तो चलिए जानते हैं, मिलते हैं कौन है ये शख्स जो फोटो लगा करके घूम रहे हैं और आखिर क्या कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, हम खानदानी चोर हैं लोहारू वाले, एक बार तो इनके बारे में बता दीजिए, कौन है ये? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। दूसरा कि हम खानदानी चोर हैं लोहारू वाले जी, देखिए श्रीमान जी, ये मेरे साडू हैं धर्मवीर जी, ये मेरी साड़ी है जिसका नाम है कमलेश जी, ये मेरा साडू है जिसकी एक बड़ी तमन्ना जिंदगी में पैसा, गाड़ी, बंगला, विदेशों में रहना, ये मिस्टर करमबीर है जो षड्यंत्र रचाया हुआ सब कुछ इसी का ही है जी। ये मेरी एक साड़ी है उसके छोटी, जो कमलेश से छोटी वाली, इसका नाम है रेखा जी, और ये इनका बाप है जी, जो कि एक बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा ये चोरी चकोरी छोड़ के अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाओ जी। ये आदमी इनको कहता है जय काट लेंगे मगर रुपया भी वहाँ पढ़ देंगे जी, और ये इनके बच्चे हैं, तो अगर यही चोरी करेंगे और ये सपोर्ट करेगा तो ये भी यही करेंगे आने वाले टाइम में जी जी जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि हम खानदानी चोर हैं, हम ये सब लोग खानदानी चोर हैं और ये लोहारू से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नाम लोहारू वाले के नाम से किया। आज मेरी साली का लगन था तो आज ये भी आने वाले थे और हम भी आने वाले थे, और सभी रिश्तेदारों को ये लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या मैटर है, क्या माजरा है, क्या नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट वगैरह प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट लेके अपने ससुराल जा रहा हूँ, अब साड़ी का लगन लेके जाएंगे हम। किस तरीके के चोर है, जैसे कि कोई गाड़ी चोरी करते हैं या वैसे कोई चोरी करते हैं, टाइटल जैसा चोर है, टाइटल क्या कारण है, किस तरीके की चोरी करते हैं ना जी? इनकी हाथ की सफाई इतनी तगड़ी है कि मैंने इनको जिस टाइम ले गया था तो मेरी साड़ी मेरे सामने रोई थी, जीजा घर के अंदर खाने के भी मोहताज है, इससे अच्छा मुझे कुएं में क्यों नहीं डाल दिया। मगर भाई ये बात मेरे को क्यों कहने को मिल रही है? तो उसने कहा कि आप ही इनको देख के आए थे उस टाइम, आप बोले ये मारुति कंपनी में ये वो है, मगर ये नहीं है कुछ भी, ये तो हमारा रिश्ता होने के 2 महीने बाद ही घर आके बैठ गए, 6-6 महीने के लिए गए थे। जब मैं मजबूर होके इनको लेके गया था, इस भाई साहब को पहले इसको ले गया था श्रीमान जी को, ये मास्टर माइंड है इस प्लान का, पूरा मास्टर माइंड, कैश को किधर सेटल करना है, ऑनलाइन को किधर सेटल करना है, और ये उसकी वाइफ है, ये कसम खाने के लिए जिजा पेट में बच्चा है, मैं इसकी कसम खाती हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये जो श्रीमान जी है, ये पूरा जो फाइनेंशियली जो अमाउंट जितना भी मेरे पास से जितना भी आया है सब इसके माजरे से आया है, और ये साली साहिबा है, ये क्या है कि मेरे परिवार में फूट डाल के मेरी वाइफ को इधर उधर की बातें भड़का के हम दोनों में झगड़ा करवा के ताकि मैं बिजनेस में नहीं रह सकूं और मुझे घर में ज़्यादा डाइवर्ट रखती, ये मतलब पूरा इनका प्रोपगंडा है। ये 2-4 लोग तो ये हैं, 5वां इनका बाप हो गया, 2 इनकी बहनें हैं, 1 इनका जिज्जा है, तो धर्मवीर, करमवीर और इसका जिज्जा, ये तीनों मेरे पास ही नौकरी करते थे। तो इसका जिज्जा संदीप है गांव महराना से, वो ड्राइवर था वहाँ पे, ये मेरा मैनेजर था जो कि मैंने 15,000 रुपये पे रखा था और 25,000 रुपये रहना खाना पीना प्लस मेडिसिन वगैरह टोटली सब कुछ इसका मैं करता था। इन्होंने मेरे जो कंपनी थी एक मेरी पार्लर्स, मसाज पार्लर्स, जिसके मेरे पास में
गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। कहाँ थी आपकी ये कंपनी? ये मेरी गुड़गांव में थी। अच्छा, और उसके अंदर जो भी मैंने फंडिंग की और फंडिंग करने के बाद में जितना भी अमाउंट उसमें आता था ना, तो उसका हिसाब मेरे को धर्मवीर ने कभी भी नहीं बताया कि ये ऑनलाइन पेमेंट आई है, कैश आई है। इसने टोटली अमाउंट मेरे को मोस्टली 98% बताया कि ये पेमेंट सब कैश आई है, और इसने मेरे को टोटली हिसाब कैश में ही दिया। जो कि मेरी कंपनी हर महीने कभी 25,000 प्रॉफिट, कभी 30,000 प्रॉफिट, कभी 50,000 में प्रॉफिट, या कभी माइनस में, इस तरह से रखा। ऐसा चलता गया, काफ़ी टाइम तक चलता गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया, तो मैंने अचानक एक धर्मवीर का PDF मेरे सामने आ गया। वो PDF सामने आने के बाद में मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। क्या था ऐसा उस PDF के अंदर? उस PDF के अंदर तो इतना कुछ था जो कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता उसके बारे में, कि मेरी कंपनी की टोटली पेमेंट, जो आदमी 15,000 रुपए की नौकरी करता है उसके खुद के एक खाते में, कैनरा बैंक का एक खाता था उसका, उसमें 1,43,00,000 रुपए। एक मामूली वर्कर जो 15,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करता था, उसके अकाउंट में 1,00,00,000 कहाँ से आ गए इतने पैसे? सर, मैं तो, मुझे नहीं पता, या तो RBI झूठी है या क्या सही है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके सामने प्रूफ दे सकता हूँ उस चीज का। जी, दूसरा उसका एक बैंक अकाउंट था HDFC बैंक में। HDFC से वो मोस्टली मेरे को थोड़ी मोटी पेमेंट करता रहता था। उस खाते में उसकी पेमेंट कितनी गई है? 97,00,000 रुपए। जी, एक उसका खाता उसी का धर्मवीर की वाइफ के साथ ज्वाइंट खाता है, जिसके अंदर 70,00,000 रुपए पेमेंट गई है। और 70,00,000 रुपए पेमेंट कितने टाइम के अंदर गई है? एक साल के अंदर 70,00,000 रुपए। जी, उसका ही एक दोस्त ये धर्म भाई और ले गए मेरे पास, बोला ये लड़का मेहनती है, खाने को दाने नहीं है, इसको भी रख लेते। और मेरी खासियत क्या है कि मैं भी एक बहुत छोटे लेवल से उठा हुआ हूँ। मैंने गुड़गांव में रोटी तकात पोई है, रोटियां पो पो के मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। जी, वो ले गए, उसके खाते में भी 53,00,000 रुपए उसके खाते में भी गए होंगे। जो भी मेरे पास 15,000 रुपए से स्टार्टिंग थी उसकी, और 22,000 रुपए तक नौकरी किए एक साल के अंदर। जी, एक साल के अंदर उसके खाते में भी 43,00,000 रुपए गए हैं। एक इनका ही दोस्त और था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये जो लोकेश था, ये सुहासड़ा का इनका पड़ोसी था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। वो था यहाँ का, क्या नाम है, बिजली का जो प्लांट बना हुआ है ना, झाड़ली का रहने वाला था। उसके खाते में भी 62,00,000 रुपए पेमेंट गई है। इनकी बहनों के खाते में भी पेमेंट गई है। इनके और भी ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जिनमें पेमेंट गई है। हमें इस चीज़ का कोई निचोड़ नहीं आ पाया। जब मैंने इससे पूछताछ करनी शुरू की तो इन्होंने मेरे पे आरोप लगाने शुरू कर दिए अपनी। जब मैंने पुलिस का सहारा लिया तो इनकी बहनें मेरे विरुद्ध पूछ गई कि ये हमें गलत टॉर्चर करता है, ये हमें ये करता है, ये वो करता है। जिन बहनों को मैं 10 रुपये दे के एक छोटी बहन के नाते सम्मानित करता हूँ, और वो बहन मेरे को बोले कि ये मेरे को बोल रहा है कि तू गुड़गांव आ जा, मैं तेरे को पैसे मालूम माल कर दूंगा। ऐसा गुड़गांव में क्या है? क्या गुड़गांव में किसी की भान बेटियाँ नहीं है क्या? तो इनका जो पूरा प्रोपगंडा है, परिवार के सभी लोग शामिल हैं, और पूरा इनका एक सिस्टम बना हुआ है, और ये मतलब कि चोरी इनका एक पैसा है। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, आपने बताया कि मैंने एक कंपनी बना रखी है गुड़गांव के अंदर, तो कंपनी हम बनाते हैं तो वो रजिस्टर्ड होती है और उसका खुद का अकाउंट होता है, और जो भी वहाँ काम होता है तो वो सारी जो पेमेंट है वो कंपनी के अकाउंट में जानी होती है। ऐसे में उनके अकाउंट में कैसे? मेरे पास कंपनी के प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको पेश कर सकता हूँ। जी, डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको प्रॉपर पेश कर सकता हूँ। जी, और दूसरी चीज, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई फर्जी नहीं है, जेन्युइनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद में जो भी कुछ है वो ये है कि इस बंदे ने जो हाथ की सफाई इसने जो अपनी दिखाई है, वो इसने ये दिखाई है मेरे पास में। ये देखिए सर, ये टोटली मेरे पास में मेरी पार्लर के नाम से मेरे घर के एड्रेस का है प्रॉपर, इसमें मेरा ऑफिस का एड्रेस है। ये सब चीज़ें हैं जो जेन्युइनली हैं, और इन्होंने क्या किया, इनके हाथ की सफाई ये थी कि इन्होंने कोई पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे की कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर रखी थी जिसके माध्यम से, जैसे क्लाइंट के पास से पेमेंट कुछ और आ रही है और मुझे बताया कुछ और जा रहा है, कैश करवाने में इसकी एक बहन कविता है वो मदद करती थी, एक इसका भाई धर्मवीर करमवीर है वो जो यहाँ फाइनेंस का काम करता है, एक कैश साहिल गैस एजेंसी है इनके घर के पास में जिसका ये सहारा लेते थे कैश को ऑनलाइन को कैश में डाइवर्ट करने का, जो कि इन्होंने मेरे को पूरा जो सिस्टम
इनका देखा ना, मैं खुद हैरान रह गया, मतलब कि 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने में मैं इनको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाया हूँ। जहाँ तक हमें नॉलेज है, कोई भी हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो भी होता है, जो भी इनकम होती है, उसका हमें टैक्स वैक्स देना होता है, और ये पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं तो टैक्स वैक्स इन्होंने भरा, ऐसी कोई आगे से जांच नहीं आई कि इतने पैसे आपके अकाउंट में कहाँ से आ रहे हैं। आगे से इनके पास में कोई जाँच आई, इन्होंने टैक्स भरा या नहीं भरा, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे इसके अमाउंट के बारे में ही कुछ नॉलेज नहीं थी कि इनके खातों में इतना अमाउंट जा रखा है। बाकी मैंने जब इन अकाउंटों को देखा और इनकी प्रॉपर तरीके से इनकी कार्रवाई देखी ना, तो इन्होंने किसने क्या कर रखा है कि एक क्वार्टरली पेमेंट एक अकाउंट में लेके और दूसरा क्वार्टर पूछते ही उस अकाउंट को जीरो कर रखा है। मतलब पूरा मतलब फंक्शन के साथ सिस्टम कर रखा है इन्होंने। चलिए अभी बातचीत कर ले, तो जिस तरह से आपने बताया है कि भी आपके साथ गेम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, तो कितने कुछ रुपए का जो गेम है वो आपके साथ हुआ है? अराउंड अभी तक जो मुझे पता चला है 9 करोड़ के समथिंग का पता चला। अच्छा, जिस तरह से बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई आपने अभी तक की है और किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जो सहारा है वो लिया है। 26/8/2023 को मैंने सेक्टर 56 थाने में 112 नंबर पे कॉल करके मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके बाद में आरोपी भी वहाँ पे गए, बहुत मशक्कत के बाद आरोपी वहाँ जाने के बाद में हमारा 30 लाख रुपए में समझौता हुआ, जो कि आईओ ने हमें बोला गया कि भाई साहब ये पाँच दिन बाद में, अभी G20 चला हुआ है और हमारे अधिकारी बिजी हैं, तो हम अधिकारियों के सामने पेश करके आपको ये अमाउंट दे दिया जाएगा, और ये अमाउंट आप ऐसे कैश में मत लो, जो कि 15 लाख रुपये मुझे कैश दे रहे थे उस टाइम, ये आप कैश में मत लो, ये आपको दिक्कत हो जाएगी। ये मेरे साथ एक आईओ ने भी मिलकर इनके साथ गेम खेला। 5 दिन बाद 6 दिन बाद जब मैं गया हूँ, आईओ ने मेरे से नज़र मिला के बात नहीं की, और मैंने जब उससे चलते हुए बात की तो उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है, आप अपने जहाँ पे आपका पार्लर था उसके नज़दीक के थाने में जाओ और वहाँ पे कंप्लेंट दे दो। फिर मैंने सदर थाने में कंप्लेंट किया। सदर थाने में जब मैंने कंप्लेंट किया तो वहाँ पे भी इसके दो जूनियर थे, उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिए हैं कि जो कुछ किया धर्मवीर ने किया, जो पेमेंट हमारे खाते में आई धर्मवीर के कहने पर आई, जो पेमेंट की हमने धर्मवीर के कहने पर की, मतलब पूरा इन्होंने उसके ऊपर ही ब्लेम किया, धर्मवीर को ब्लेम किया। तो कुल कितने लोगों ने आपको लूटा है, या आपको कितने ऐसे लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? इस साजिश में जो शामिल हैं, देखो तीन तो ये मैं नहीं थे, धर्मवीर, लोकेश और भूपेंद्र, तीन तो ये लोग थे, उसके साथ में धर्मवीर का पूरा परिवार संगलित है, जिनके नाम के जरिए मैं आपको बता सकता हूँ। इसका छोटा भाई करमवीर, इसके छोटे भाई की बहू रेखा, जिनके बैंक अकाउंट यूज हुए हैं, इसकी खुद की वाइफ कमलेश, इसकी खुद की एक बहन कविता, इसका खुद का जीजा संदीप उर्फ सोनू, जो कि माचोर है, दुनिया का मानना हुआ चोर है वो, तो इतनी तगड़ी हाथ की सफाई है। उसके बाद में इसकी एक बहन अनीता है, और शायद क्या पता इन्होंने परिवार के चाचा ताऊ के लोगों के अकाउंट यूज कर रखे हो, मैं कुछ कह नहीं। तो जैसे कि हमने आपको देखा, आप गाड़ी लेके जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, हमने गाड़ी के ऊपर देखा हम खानदानी चोर है लुहारू वाले, ऐसे टाइटल, ऐसे पोस्टर, ऐसे बैनर आपने गाड़ी में लगा के आप घूम रहे हैं, कितने दिन से घूम रहे हैं, लोग क्या पूछते हैं रास्ते में आपको, कोई पूछते तो? एक्चुअली क्या था कि पहले तो मैंने छोटे पोस्टर लगा रखे थे इनके ना, तो आज मुझे क्या था कि मैं थोड़ा शौकीन आदमी हूँ, तो आज मेरी साड़ी का लगन था, तो वहाँ पे जाने तो अच्छे पोस्टर बनवाने चाहिए थे, तो फिर मैंने रात को मेरे दिमाग में आया कि पोस्टर भी पुराने हो गए हैं और कोई पहचान में भी नहीं आ रहा, तो फिर रात को फिर मैंने ये 900 रुपये में एक फिल्म तैयार करवाई, और फिल्म तैयार करवा के फिर मैंने खुद अपने हाथ से पूरी रात डिजाइन की इनको, पूरा डिजाइन करके, और अब मैं अपनी साड़ी का लगन जाएगा तो उस लगन में जाऊंगा आराम से। तो भाई हम खानदानी चोर हैं लुहारू वाले, पूरी आप बीती आपको दिखाई गई, भाई साहब गाड़ी के साथ मौजूद है, बता रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए का गेम हुआ है। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि ये चैनल बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया गया है, भाई साहब की आप बीती सुनी गई है, और खानदानी चोर लुहारू वाले उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपके समक्ष पेश किया जाएगा। अब आप बताइए, जिन रिश्तेदारों को इन्होंने सहारा दिया, उन्हीं ने इनको चूना लगा दिया, कहाँ तक सही है, क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और भाई साहब के साथ जो गलत हुआ है इसके बारे में क्या सोचना है, क्या किसी की मदद करना गुनाह है, इसके बारे में भी जरूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलेंगे, हम खानदानी चोर हैं लुहारू वाले, जिनकी फोटोज लगाई गई है उस पार्टी से।